आज हमारे यहाँ ईद का त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और आज हम अपने यहाँ ईद के मौके पर पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान पूरे देशवासियों के लिए हमने दुआ मांगी है कि अल्लाह इन लोगों को जो है पूरे कौम को ऐसी सलाहियत दे, ऐसी बात करने का तरीका दे कि जो हिंदू मुसलमान मिल कर के रहें और आपस में जो भी भेदभाव हो वो आपस में ख़त्म हो ना हो, क्योंकि आपस में भेदभाव होने से तमाम बुराइयां जो है रहती हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ताल्लुकात हों, ऐसा माहौल हो कि लोग आपस में मिल बैठ करके आपस में खाएं पिएं और खुशियां मनाएं, और देश और मुल्क के लिए हम तरक्की के लिए दुआ मांगे हैं। इकबाल भाई, लगातार पाक सीमा पे भारतीय सीमा में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए, अभी पत्रकार मारा गया और एक जवान मारा गया, ऐसे में क्या दुआ मांगते हैं आप? भाई पाकिस्तान जो ये बड़ी नीच हरकत जो है कर रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में रमजान के मौके पर गोलाबारी करते हैं और लोगों को मारते हैं। हमारे यहाँ किसी जो है कोई भी कालम मारने का नहीं है, किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं है, अगर वो लोग ये काम करते हैं तो बड़ी नीच हरकत है। हिंदुस्तान को चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दे।